हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो हम फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं कई सारी हॉरर मूवीज का एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है बिहाइंड द ट्रीज। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये एक इंडियन मूवी है जिसे कि विक्रम जयकुमार ने डायरेक्ट किया है। वैसे तो मैं बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, जिसके कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन ये मूवी बॉलीवुड ट्रेडिशन से हटकर एक आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी मूवी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ यंगस्टर्स को इंडिया के उत्तरी जंगली एरिया में दिखाया जाता है, जो कि वहां मौज मस्ती करने आए थे। वो सभी लोग ड्रिंक किए हुए थे कि तभी उनमें से माया नाम की एक लड़की को उल्टियां होने लगती है, और उल्टी करते वक्त माया को अपना हैंडबैग जंगल की झाड़ियों में दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। और जब वो उसे लेने जंगल की झाड़ियों में जाती है तो उसकी एक जोरदार चीख उसके दोस्तों को सुनाई देती है, और वो सभी लोग माया को ढूंढने झाड़ियों में चले जाते हैं, जिसके पार उन्हें झाड़ियों के बीचों बीच एक ईंटों से बना लॉकर दिखता है, जिस पर कि बाहर से ताला लगा हुआ था और कोई अंदर से उसके दरवाजे को पीट रहा था। सभी को लग रहा था कि माया उस लॉकर में बंद है, और सभी लोग वहां का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। और झाड़ियों में से फिर एक जोरदार आवाज आती है, जिसकी ओर मुड़ने पर वो देखते हैं कि माया झाड़ियों में से बाहर आ रही है। और अगर माया बाहर ही थी तो उस लॉकर के अंदर कौन था? और तभी अचानक उस लॉकर का दरवाजा अब कोई जोर जोर से पीट रहा था, जिससे डरकर सभी वहां से भाग जाते हैं। वो दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती जाती है। तो क्या था उस दरवाजे के पीछे उस लॉकर में, ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अब यहाँ से सीन कट होकर 2 हफ्ते पहले लॉस एंजल्स में आ जाता है, जहाँ पर जय नाम का एक म्यूजिक डिजाइनर अपने फ्लैट कम वर्क प्लेस में था, जहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नोट मिलता है और वो उसे अपने हॉस्पिटल बुलाती है। जब जय हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमी से एक सरप्राइज बर्थडे केक मिलता है, जो कि एक इंडियन जंगल के शेप में था। एमी एक फिजिशियन थी जिसका ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में अपने पेशेंट की देखरेख में ही गुजरता था, जिससे कि वो जय को भी टाइम नहीं दे पाती थी, और इसीलिए उसने जय के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी प्लान किया था, जिसमें कि वो पूरे 1 हफ्ते के लिए इंडिया जाने वाले थे और वहाँ पर वो इंडियन वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। जय के बर्थडे के 2 ही दिन बाद एमी और जय इंडिया के लिए निकल जाते हैं, और इंडिया पहुँचने के बाद वो अपने रिजॉर्ट के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में वो रूरल इंडिया को देखते हैं, जो एमी के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो कि अपने चेहरे के पीछे एक मुखौटा लगाए कहीं पर जा रहे थे, जो एमी और जय दोनों को काफी अजीब लगता है। फिर वो फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका इंडियन ट्रेडिशन में वेलकम होता है। वो रिजॉर्ट की मैनेजर उन्हें नवीन से मिलवाती है, जो कि उनकी हेल्प के लिए हर वक्त मौजूद रहेगा। फिर नवीन उन्हें पूरा रिजॉर्ट दिखाता है और उन्हें रास्ते में बताता है कि वो लोग ऑफ सीजन में यहाँ पर आए हैं, जिसके कारण पूरे रिजॉर्ट में 2 रूम के अलावा सभी रूम खाली है, इसीलिए स्टाफ भी कम कर दिया गया है। और बात करते करते जय नवीन और उसके घर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो नदी के उस पार वाले गांव में रहता है, जो कि इस जंगल का एकमात्र गांव है। फिर नवीन जय और एमी को उनके रूम में छोड़कर वहां से चला जाता है, और रूम में आने के बाद जय देखता है कि यहाँ पर फोन में सिग्नल नहीं है, और एमी जय के काफ़ी क्लोज आती है कि तभी वहाँ का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और दोनों को लगता है कि शायद नवीन वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ जाकर देखने पर उन्हें कोई नहीं दिखता। वो जल्दी ही रात भी हो जाती है, और ऐसे ही वहाँ आसपास के लोगों और इंडिया के ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करते करते कुछ दिन यूँ ही बीत जाते हैं। फिर एक रात एमी जय के साथ एक फोक परफॉर्मेंस देख रही थी, और वो जय से ये कहती है कि वो इंडिया को काफ़ी मिस करेगी। और हम देखते हैं कि एक आदमी काफ़ी देर से दोनों को घूर रहा है, जिसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर अगली शाम जय एमी की आंख पर पट्टी बांधकर उसे रिजॉर्ट से काफ़ी दूर एक वाटरफॉल पर ले जाता है, और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन एमी जय से कहती है कि वो उसे प्यार तो करती है, लेकिन शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपना करियर बनाना है।
और वही बात करते करते काफी अंधेरा हो जाता है। और जब वे वापस रिजोर्ट की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। और दोनों रास्ता ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ का नजारा काफी डरावना था। गांव के कुछ लोग एक घेरा बनाकर खड़े थे और वहाँ तंत्र मंत्र करने वाला एक बाबा एक छोटी लड़की पर झाड़फूंक कर रहा है, जिसे जे और एमी दूर से खड़े खड़े देख रहे थे। फिर वो बाबा उस लड़की के मुंह पर कपड़ा डालता है और गांव वाले उसे जंगल में ले जाते हैं, उसी जगह जहां पर वो छोटा सा लॉकर बना हुआ था। और ये सारी घटना एमी और जे दूर से ही देख रहे थे। एमी जे से कहती है कि एक छोटी बच्ची के साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर जे उसे समझाता है कि ये लड़की बुरी आत्मा से पोजेस्ड हो चुकी है और ये सब तांत्रिक की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमी इसे सिर्फ एक अंधविश्वास कहकर उन सब लोगों के वापस जाने के बाद उस लड़की को वहाँ से बाहर निकालती है और वो चोरी छुपे वापस अपने रिजॉर्ट में आ जाते हैं और साथ में उस लड़की को भी ले आते हैं, जिससे कि काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा था। और एक डॉक्टर होने के नाते एमी उसे वहाँ ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आना चाहती थी। फिर एमी उसे बेड पर सुलाती है और कुछ दवाइयाँ ढूंढती है, लेकिन वो लड़की कुछ ही सेकंड में बेड पर बैठ जाती है, जिससे कि एमी चौंक जाती है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती और एमी उसे दवाई देकर सुला देती है। फिर एमी जे के साथ बात कर रही होती है कि तभी उसे उस लड़की की तेज़ आवाज़ आती है, जिससे वो भागकर उसकी तरफ जाते हैं और वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो आ रही है, वो आ रही है। फिर एमी उसे जैसे तैसे फिर से सुलाती है, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब वो लड़की उठकर पास में रखी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाती है, जिससे कि एमी डर जाती है। इस लड़की का नाम आशा था और वो एमी को एक कहानी सुनाती है, जिसमें आशा एमी से कहती है कि उन्हें पेड़ों के पीछे नहीं देखना चाहिए था। जब आशा जंगल के रास्ते से होकर गांव के बाजार में फल बेचने जाया करती थी और हमेशा उसकी माँ उससे ये कहा करती थी कि कभी जंगल में पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि वो उनके पीछे छुपा करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इंसान उन्हें देख ले। आशा आगे बताती है कि एक दिन जब वो जंगल के रास्ते जा रही थी तो उसकी गुड़िया पीछे गिर गई और वो उस गुड़िया को पीछे पलटकर वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी माँ की कही बातें याद आ जाती है और वो अपने दुपट्टे में लगे एक छोटे से आईने में पीछे देखती है, जहाँ उसे डरावनी औरत दिखाई देती है, जिससे कि आशा घबरा जाती है और पीछे पलटकर देख लेती है। फिर एमी आशा से आगे की कहानी पूछती है, लेकिन आशा नींद का बहाना बनाकर सो जाती है और कहानी आधी अधूरी ही छोड़ देती है। अगले दिन जय एमी से कहता है कि वो एमी को प्रपोज करने के लिए इतनी दूर आया और अगर वो हाँ कह देती तो वो जंगल में नहीं भटकते और ना ही उन्हें वो लड़की मिलती और वो इस झंझट में पड़ते। और तभी अचानक जय को लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। और जब जय आईने में देखता है तो उसके गले पर किसी की उंगलियों के निशान थे। आशा को कल रात की घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो एमी और जय से वापस अपने घर जाने को कहती है, लेकिन एमी जय से कहती है कि अगर आशा को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया तो गांव वाले फिर उसके साथ वही हरकत करेंगे। और वो जय से ये भी कहती है कि वो रिजॉर्ट की बुकिंग को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दे, ताकि वो आशा के साथ रहकर उसे पूरी तरीके से ठीक कर सके। फिर जय नवीन के साथ जंगल में कुछ फोटोज क्लिक करने जाने लगता है कि तभी आशा उससे कहती है कि उसके पापा कहा करते थे कि जंगल में कई सारी बुरी चीज़ें हैं और रात के समय सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सामने आती है। हमने देखा था कि आशा पजेस्ट थी और तांत्रिक उसका भूत भगा रहा था, लेकिन एमी और जय के साथ वो बिल्कुल ही ठीक थी और वो ये समझ रहे थे कि एमी शायद सदमे में है, इस कारण से वो ये कहानी सुना रही थी। लेकिन सच क्या था ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। अब आगे हम देखते हैं कि जय नवीन के साथ जंगल में जा रहा था और नवीन ने अपने सिर के पीछे एक मुखौटा लगा रखा था। और जब जय इसके बारे में उससे पूछता है तो नवीन कहता है कि इसके दो कारण है, इस मुखौटे से जंगल में रहने वाले शेर पीछे से हमला नहीं करते और दूसरा कारण ये था कि जंगल में रहने वाली आत्माएं भी उनके पीछे नहीं आती। नवीन जय को अपना गाँव दिखाने ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में नवीन जय के गले पर बना निशान देख लेता है और एक चाकू उसकी ओर करके उस निशान के बारे में पूछता है, जिस पर जय एक बहाना बना देता है। इधर रिजॉर्ट में एमी आशा से बातें कर रही थी और वो उससे उस कहानी वाली औरत के बारे में पूछती है, जिस पर आशा कहती है कि वो औरत हकीकत में उसे दिखाई देती है और उससे बातें भी करती है, जिस पर एमी आशा से कहती है कि क्या वो उसकी बात उस औरत से करवा सकती है।
और आशा उसे नीचे रिजॉर्ट के गार्डन में ले जाती है और सीटी बजाने को कहती है। और जब एमी ऐसा करती है तो वहाँ कोई नहीं आता। फिर आशा एमी को अपने साथ खेलने को कहती है और जब दोनों सीसो का मज़ा ले रहे थे तब आशा को एमी के पीछे वही औरत दिखती है और जैसे ही एमी पलटकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ नवीन जय को उसका गांव दिखाता है और वो लोग गांव से होते हुए जंगल की ओर जाते हैं और वो ठीक उसी झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे जिसके पीछे उस छोटे से कमरे नुमा लॉकर में आशा को बंद कर दिया गया था। जय तुरंत उन झाड़ियों के पीछे जाता है जिस पर नवीन उससे पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता। फिर जय नवीन को कल रात हुई घटना के बारे में पूरी तरीके से बताता है और वो ये भी कहता है कि उन्होंने अंदर फंसी बच्चे को बाहर निकाला, जिससे नवीन समझ जाता है कि जय के गले पर बना निशान उसी लड़की ने दिया है। जय आगे कहता है कि एमी उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर रही है और वो जल्दी ही उसे उसके माँ बाप के पास पहुँचा देंगे। फिर नवीन आगे बताता है कि उस बच्चे की कोई भी फैमिली नहीं है, उसकी सिर्फ एक माँ थी, वो भी कई साल पहले जंगल में मारी गई, जो कि जंगल से ही लकड़ी उठाने का काम करती थी। फिर आशा को गांव के ही एक परिवार ने गोद लिया और एक दिन आशा को सभी ने जंगलों में घूमता देखा और उसे कई डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन उसका इलाज संभव नहीं हो पाया। एक दिन आशा ने उस घर में आग लगा दी जिससे कि उसे पालने वाली फैमिली अंधेरे जिंदा जलकर मर गई। आशा ने उन्हें ही मार डाला जो कि उसकी देखरेख कर रहे थे और जब आशा से इसका कारण पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि वो बस उन्हें बचा रही थी। नवीन जैसे कहता है कि उन्हें उस लड़की को वापस इस लॉकर में बंद करना होगा और ऐसा नहीं करने पर सभी की जान को खतरा है, लेकिन जय उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और नवीन उसके पेट में छुरा घोंप देता है। इधर रिजॉर्ट में एमी आशा के साथ अकेली थी और जब वो उससे पूछती है तो आशा बताती है कि वो अपनी माँ से बातें कर रही है और उसकी माँ उससे एमी को मारने को कह रही है और ऐसा नहीं करने पर वो जबरदस्ती एमी को चोट पहुंचाएगी। एमी आशा से पूछती है कि क्या उसकी माँ अभी भी इस कमरे में है और तभी आशा फिर से पजेस्ड होने लगती है। एमी आशा को बचाने के लिए गांव वाले तांत्रिक की ही तरह उस पर झाड़ फूंक करती है जिससे कि आशा शांत हो जाती है और एमी को लगता है कि आशा ठीक हो गई है। फिर वो बाथरूम में जाकर जय को कॉल करती है जिसमें उसे जय का वॉइसमेल मिलता है और वो ये कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। और जब एमी वापस बाहर आकर देखती है तो पाती है कि आशा चेयर पर बैठी है और जोर जोर से हिल रही है और उस कमरे में सभी दूर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ पड़ी हैं। तभी नवीन वहाँ आता है और एमी से कहता है कि उन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना होगा और नवीन आशा और एमी को वैन में बिठाकर जंगलों में ले जाता है। एमी नवीन से जय के बारे में पूछती है जिस पर नवीन एमी से कहता है कि अगर वो जय को जिंदा देखना चाहती है तो इस लड़की को वापस लॉकर में बंद करने में उसकी मदद करे। और जब नवीन आशा को बाहर लाता है तो एमी वैन को अंदर से लॉक कर लेती है और बाहर आशा के घुंघरों की आवाज आती है और वो देखती है कि आशा नवीन को खींच कर झाड़ियों में ले जा रही है। और फिर आशा वापस वैन की तरफ आती है और एमी वहां से भागकर झाड़ियों में चली जाती है और खुद की जान बचाने के लिए उस लॉकर में खुद को बंद कर लेती है, जिसके बाद आशा वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि जय हॉस्पिटल में था और एमी काफ़ी दिनों से गायब थी। तभी एक रात कुछ फ्रेंड्स जंगल में घूमने जाते हैं और उन्हें वो लॉकर दिखता है जिसमें अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आ रही थी और सभी वहां से भाग जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वैसे तो मूवी ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट करती है। दरअसल आशा की माँ जंगलों में लकड़ी लाने का काम करती थी और किसी कारण से जंगल में ही मर जाती है, लेकिन वो हमेशा आशा को दिखती है और उसने उन लोगों को आशा से मरवा दिया जो आशा के नज़दीक आना चाहते थे। गाँव के लोगों ने तांत्रिक के द्वारा आशा से उसकी माँ की आत्मा को दूर करने की कोशिश की, लेकिन एमी और जय उस रिचुअल को पूरा नहीं होने देते जिससे कि आशा अभी भी उसकी माँ की आत्मा से जुड़ी हुई थी। एमी का रिलेशन आशा से काफ़ी अच्छा हो गया था, इसीलिए आशा की माँ एमी को नुकसान पहुँचाना चाहती थी और एंड में एमी को ही उस लॉकर में बंद कर दिया गया। मूवी के एंड में दिखाया जाने वाला फ्रेंड ग्रुप वही था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में अपनी फ्रेंड माया को ढूंढ रहा था और उन्हीं फ्रेंड्स को वो लॉकर दिखता है जिसमें कि एमी कई दिनों से बंद थी
और सभी लोग एमी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी बहुत हद तक सिंपल है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि और भी हॉरर वीडियोज़ जल्दी ही आने वाली है।